हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे AI HDR इन्हेंसमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है ज़्यादातर फोन्स में हिडन रहता है, और अगर आपको जो फ़ोन है MIUI 12 से अपडेटेड नहीं है तो यहाँ पे आपको सारे ये फीचर्स ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आपको। सो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में सिंपली सर्च कर सकते हो AI। सो इतना आप सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल जो AI इन्हेंस्ड वाले फीचर से आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन शो नहीं हो रहा है जिसमें आप अपने जो वीडियो और फोटो क्वालिटी है अपने फ़ोन का वो आप इन्हेंस और इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू AI। सो गाइस, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसका नाम है हिडन सेटिंग्स। यहाँ पे आपको अपने डिवाइस के सारे जो अलग अलग कैटेगरी के हिडन सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं, इन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च करना है AI सेटिंग्स, ठीक है। तो आप जैसे AI सर्च करोगे देन यहाँ पर आप सिंपल इस तरह से आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है AI सेटिंग्स। AI आपको जैसे अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके फ़ोन में AI बटन्स हैं सो वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले की बात करें सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शंस आपको और मिल जाते हैं, इमेज इंजन, स्क्रीन एनहेंस इंजन, AI इमेज इंजन, ओके। और नेक्स्ट है स्क्रीन एनहेंस इंजन के अंदर ही हैं ये AI इमेज इन्हेंसमेंट, AI HDR इन्हेंसमेंट। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये फीचर्स आपके फ़ोन में इनेबल हो, बट यहाँ पे ये जो फीचर्स है ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि ये जो ऐप है इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक नॉर्मल और एडवांस वाले फ़ोन्स में हो सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेंगे। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। सो ये इमेज इन्हेंसमेंट के लिए है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। Identify objects, plants, animals, buildings and dynamically adjust display effects, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सारे जो भी कलर्स वगैरह हैं उनमें आपको इन्हेंसमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो भी आप प्ले करोगे अपनी वीडियो पे इमेज वगैरह अगर आप ओपन करोगे सो उनमें आपको कलर्स में, शार्पनेस में आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे दिया भी हुआ है दिस फीचर स्लाइटली इंक्रीज पावर कंजप्शन, ठीक है। सो इसका मतलब है अगर आप इसको यूज़ करते हैं इस फीचर को तो आपके फ़ोन का जो बैटरी है उसका कंजप्शन जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था कि जो भी अगर आप अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को थोड़ा एनहेंस करना चाहते हैं सो वहाँ पे आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है, बिकॉज वहाँ पर CPU और GPU को थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है, एक पूरी लिमिट तक जाना होता है। सो यहाँ पर काफ़ी आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो कंज्यूम होगा अगर आप इस फीचर को यूज़ करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, जस्ट अगर आपको इन्हेंस करना है, आपका डिस्प्ले क्वालिटी उतना अच्छी नहीं है तो वहाँ पे आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं एंड और जो कलर्स वगैरह हैं आप इन्हेंस कर सकते हैं AI के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ओनली इमेजेस फ्रॉम द गैलरी ऐप कैन बी इन्हेंस्ड। सो यहाँ पे जो भी गैलरी वाली फ़ोटोज़ होंगी, गैलरी ऐप में आप जो भी फ़ोटोज़ ओपन करोगे वहाँ पर ही आपको AI में इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब है कि ये जो फीचर है ये सिर्फ आपके फ़ोन के गैलरी ऐप में ही आपको मिलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, दिस फीचर वुडंट वर्क इफ़ यू चूज़ टू डिस्प्ले ओरिजिनल कलर्स और अप्लाइड एडवांस इन्हेंसमेंट। सो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये शायद वर्क नहीं करेगा अगर आप जो है कोई डिस्प्ले अनदर डिस्प्ले, जैसे हम कास्ट करते हैं ना अपने फ़ोन को TVs पे या कंप्यूटर्स पे, अगर हम मॉनिटर वगैरह करते हैं उसको शो करते हैं तो वहाँ पे ये जो ऑप्शन है काम नहीं करेंगे। बिकॉज ये जो ऑप्शन है ये आपके सिर्फ फ़ोन के स्क्रीन पे ही काम करेंगे, इसमें पहले ही दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें ये पहले ही दिए हुए हैं, सो आप इनको ट्राई करोगे सो शायद ही आपको जो अपने फ़ोन पे इमेजेस है उनको आप जब भी ओपन करोगे तो उनमें इन्हेंसमेंट, कलर इन्हेंस आपको देखने को मिलेगा। सो ये फीचर्स बेसिकली यही काम करते हैं। सो यहाँ से आप सिंपली इनेबल कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी फीचर्स हैं वो अलग अलग फ़ोन्स पे अलग अलग तरीके से काम करेंगे। हो सकता है आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा मिल जाएँ, कुछ ज़्यादा ऑप्शन अच्छे से काम करें, और हो सकता है कि कुछ फीचर्स आपको कम मिल जाए। नाउ गाइस, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन इन्हेंस इंजन S2H AI HDR इन्हेंसमेंट। नाउ ये वाला ऑप्शन शायद आई थिंक वीडियो के लिए है, सो इसको हम क्लिक करते हैं जैसे ही। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो फ्रेम में ये जो वीडियो प्ले हो रहा है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल वीडियो और AI इन्हेंस्ड वीडियो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस देगा,
किस तरह का जो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो मिलने वाला है। सो आप सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है AI HDR एनहांसमेंट, इसको आप सिंपली इनेबल कर सकते हैं एंड यहाँ पे दिया हुआ है कुछ लिखा हुआ है सो वो आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपके फ़ोन में और भी ज़्यादा डिटेल्स इसमें लिखी हुई हो, बट यहाँ पे दो ही लाइन लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है एक्चुअली में। प्रोसेस वीडियो यूजिंग HDR इफेक्ट्स टू ब्रिंग आउट मोर डिटेल्स इन लाइटर एंड डार्कर एरियाज। सो यहाँ पे सिंपली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आपकी जो वीडियो होगी उसमें जो भी प्रोसेस होगा वो वहाँ पे कलर्स को और एनहांसमेंट किया जाएगा। यहाँ पे जो भी डार्कर एरियाज होंगे और जो लाइटर एरियाज होंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा एनहांसमेंट मिलेगी। सो यहाँ पे आपको कलर का बेटर एक्सपीरियंस आपके फ़ोन के स्क्रीन में मिल पाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं आपको इस फ़ोन में दिए गए हैं, आपको जो फीचर्स मिल जाते हैं वो शायद ही अभी ठीक से वर्क नहीं करें। इसका रीज़न ये भी है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो डिवाइसेस में अभी इनिशियल ही स्टेज पे, मतलब यहाँ पे जो AI है प्रॉपर नहीं आया है। इसमें आपको कई सारे बग मिल सकते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो ठीक से काम नहीं करे या फिर उतना अच्छा वर्क नहीं करे जैसा कि हो सकता था, बेटर आपको एक्सपीरियंस मिल पाता था। सो जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए मैं आपको जस्ट बताऊं, तो आज से पहले जो भी फ़ोन्स आते थे 3 से 4 साल पहले, 5 साल पहले आप ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी ऑप्शंस मिलते थे फ़ोन्स में, यू नो, वहाँ पे आपको कई सारे लैग्स या फिर बग वगैरह देखते थे, ऐड आपको बहुत ज़्यादा दिखती थी। सो फ़ोन में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, सो जो कि आज की डेट में सॉल्व हो चुकी हैं और आज जो है काफ़ी सारे जो फ़ोन्स हैं अच्छे से वर्क करते हैं, डिवाइसेस अच्छे से काम करते हैं, इवन कंप्यूटर्स में भी ये प्रॉब्लम होती थी सॉफ्टवेयर के साथ में। सो यहाँ पे ये भी जो ऑप्शंस है आपको दिए गए हैं AI वाले, ये भी यहाँ पे आपको अभी स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती हैं, शायद ठीक से वर्क कर जाए या फिर नहीं भी करे, सो इसका कोई गारंटी नहीं है। पर यहाँ पे आप इनको ट्राई कर सकते हैं और अपने फ़ोन का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस कर सकते हैं इमेजेस में और वीडियोस में AI ऑप्शंस और फीचर्स की मदद से। सो गाइस ये था वीडियो कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में AI ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, जो कि आपको अभी नए जो अगर आपने डिवाइस खरीदा है तो उसमें आपको शायद आपको मिल जाएंगे, या फिर अगर आपने अपने डिवाइस को अपडेट किया हुआ है तो भी ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरह के फीचर्स नहीं मिलते हैं अपने डिवाइसेस में, सो यहाँ पे मतलब है कि आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आना बाकी है। सो जब भी आपके फ़ोन में जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो आप उसके अपडेट ज़रूर करें, वहाँ पर आपको नए फीचर्स भी मिल जाते हैं, प्लस जो भी फ्यूचर में इन्हांसमेंट हुई होती है, फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर पर काम किया हुआ होता है वो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल पाता है, बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल पाती है। सो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। ओके सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है तो कमेंट जरूर करना, एंड इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, टेक इन्फो से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए काफ़ी सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, सो वो आप जाकर चेकआउट करें। एंड यहां पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूंगा, देखिए कई बार ऐसा होता है वीडियो हमने काफ़ी अच्छे से बनाया होता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है, बट लोग कभी भी शायद उस टॉपिक को वॉच नहीं करते, क्लिक नहीं करते, दैन वहाँ पे वीडियोज़ के व्यूज़ कम हो जाते हैं। सो गाइस हो सकता है वीडियो आपको नहीं दिखे, बट यहाँ पे अगर आपको ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करें, वहां पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।